अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तलिफ मौक़ों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिली जहां पुलिस की तरफ से डायरेक्ट शेलिंग के लिए बंदूक तान दी गई। हम दूसरी बंदूक का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि जिनमें अमवात का भी बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुरान लोगों के साथ गलत रवैया अख्तियार किया गया। ऐसे में पुलिस वाले जब आवाम के हत्थे चढ़े, खुद उन्होंने शेल मारे और उसके बाद खुद मुश्किल में दिखाई दिए, तो पब्लिक ने कैसे बिहेव किया, ये रहे आपके सामने मनासर। किसने इन्हें प्रोटेक्ट किया, कैसे पब्लिक और पुलिस एक साथ दिखाई दी, लड़वाने वाला कौन है? अगर पब्लिक और पुलिस इस तरह एक दूसरे के साथ है तो लड़वाने वाला कौन है? क्या केपीके की पुलिस की तरह मौजूदा वक्त में पंजाब पुलिस को भी डट नहीं जाना चाहिए? जिन लोगों ने रास्ते बंद किए, जिन लोगों ने आवाम के लिए मुसीबतें खड़ी की, परेशानियाँ खड़ी की, क्या उनके खिलाफ इस पुलिस को भरपूर अंदाज में स्टैंड नहीं लेना चाहिए? ये अब आप पे है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस हवाले से। जैसा मंजर यहाँ पे देखने को मिला, जिस तरीके के साथ पुलिस और आवाम एक दूसरे के साथ खड़ी दिखाई दी, जिस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ ये मुश्किल वक्त में खड़े दिखाई दिए, इस सब चीज़ पर भी आप अपनी आरा दे सकते हैं। प्लीज़ आज की वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें।